गुड मॉर्निंग फ्रेंड सुशला जी वे ध्रुव दीक्षित में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक प्रख्यात समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल के। जॉर्ज सिमेल यूरोप के सर्वाधिक लोकप्रिय समाजशास्त्री हैं। मैक्स वेबर के समकालीन थे। अब जर्मन के एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र को समन्वयात्मक स्वरूपात्मक जो पढ़ते हैं समाजशास्त्र के बारे में, इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय के आप प्रणेता कहलाते हैं। टॉनीज और जॉर्ज सिमेल का नाम स्वरूपात्मक संप्रदाय में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जर्मन समाजशास्त्री दार्शनिक, मूलतः दार्शनिक थे जॉर्ज सिमेल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्मन के एक प्रभावी और लोकप्रिय शिक्षक थे। हालांकि सिमेल के साथ यह है कि उनको उतना उनके जीवन काल में उतनी ज्यादा महत्वता या उतना उनको स्थान नहीं मिला, लेकिन जॉर्ज सिमेल अपने आप में एक काफी बड़ी शख्सियत के रूप में समाजशास्त्र में जाने जाते हैं। 1 मार्च 1858 को बर्लिन में इनका जन्म हुआ था। इनके पहले ये लोग यहूदी थे, बाद में इनके पिताजी ने परिवार ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी सिमेल को यहूदी ही माना जाता रहा और वो रिकग्निशन उनको नहीं मिला। और इनके जीवन को अगर देखा जाए तो इनके जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि धर्म परिवर्तन के बाद भी सिमेल को यहूदी ही माना जाता रहा, और जो खासतौर से जर्मन में यहूदियों के प्रति लोगों में एक नाराजगी थी, उसका दंश इनको झेलना पड़ा। दूसरा, पारिवारिक जीवन इनका बहुत ही अशांत था। जल्दी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और माँ के साथ इनका समायोजन सकारात्मक नहीं रहा। तीसरा महत्वपूर्ण इनके जिंदगी का जो पड़ाव है, बर्लिन शहर में पढ़ने के कारण ये शहरीपन से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। बर्लिन विश्वविद्यालय से आपने दर्शन साथ इतिहास मनोविज्ञान पढ़ा। बर्लिन विश्वविद्यालय में ही आपको एक निजी शिक्षक प्राइवेट डॉजेंट के बनाया गया। आपको सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि आपके जो व्याख्यान सुनने जो विद्यार्थी आते थे, जो फीस देते थे विद्यार्थी स्टूडेंट, जो आपके व्याख्यान लेक्चर सीरीज के लिए जो फीस देते थे, कलेक्शन करते थे, उसी से इनको कुछ पारिश्रमिक दिया जाता था। 1901 में आप औपचारिक प्रोफेसर बना दिया गया। मैक्स वेबर, हेनरिच डिकॉर्ट, एडमंड हर्सेल की सहायता से आपको अकादमिक सहायता तो बहुत मिली। मैक्स वेबर ने आपको बहुत मदद करी, लेकिन हर जगह आपके उसमें जीवन में यहूदीपन जो है वो आ जाता था। 1914 में स्टार्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद मिला। इसी बीच में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया, जिसके कारण आप बहुत परेशान थे। 28 सितंबर 1918 को यकृत के कैंसर से आपकी मृत्यु हो गई। PhD के बाद आपने सर्वप्रथम पहली किताब जो लिखी थी वो सोशल डिफरेंसेस 1890 में आई। फिर 1892 में द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, फिर इंट्रोडक्शन इन साइंस ऑफ एथिक्स, 1900 में फिलोसफी डेज ग्रेल, टीवी फॉरमैन जिसको इनकी एक किताब थी 1900 में फिलोसफी डेज गिल्डेस, इसका टीवी बाटामोर ने अनुवाद किया है। 1917 में आपने एक क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी, फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी नाम से एक किताब लिखी। टॉनीज के आप सहायक रहे, उनके साथ आपने काम किया और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। सिमेल का समाजशास्त्र जो वास्तव में था अंतः क्रियाओं के अध्ययन के चारों ओर घूमता है। इन्होंने कहा हमारे जीवन में जो अंतर क्रियाएं, व्यक्ति जो अंतर क्रियाएं करता है उसके चारों तरफ इनका समाजशास्त्र घूमता है। ये कहते थे समाज व्यक्तियों का संकलन है। इन्होंने माना कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जिसकी रचना आपसी अंतर क्रियाओं के आधार पर होती है, अतः अंतर क्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये जॉर्ज सिमेल का मानना था कि जो हम अंतर क्रिया करते हैं उनके स्वरूप, उनके शेप कैसे हैं,
उनका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य है। इन्होंने समाजशास्त्र को तीन उसमें बांटा है, एक सामान्य समाजशास्त्र, ये कहते थे सामाजिक आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करना। सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सामाजिक आधारों पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को दार्शनिक आधार पर माना कि दार्शनिक समाजशास्त्र जो समाज विज्ञान की ज्ञान मीमांसा है। तीसरा स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, सामाजिकता के आधार पर निर्मित साहचर के रूपों का अध्ययन। ये तीन प्रकार से इन्होंने समाजशास्त्र को डिफाइन किया, समाजशास्त्र को बांटा। ये कहते थे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक के अध्ययन तक ही सीमित रहे। इनका कहना था जो हमारे सामाजिक संबंध हैं उनके स्वरूपों के अध्ययन तक ही हमको समाजशास्त्र को रखना चाहिए, उसके आधार पर समाजशास्त्र को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समाजशास्त्र की पहचान कर सकते हैं। अपने सामाजिक संबंध के स्वरूप और अंतर्वस्तु फॉर्म एंड कॉन्टेंट के विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने कहा कि फॉर्म है ना, स्वरूप फॉर्म के स्वभाव में है और अंतर्वस्तु क्या है, मतलब समाज के फॉर्म और अंतर्वस्तु कॉन्टेंट और फॉर्म के बीच के विवाद को इन्होंने स्टार्ट किया। आपने अंतर क्रिया के स्वरूप को उसकी अंतर वस्तु से अलग किया, आप कहते जो अंतर क्रिया का स्वरूप है उसको अंतर वस्तु से अलग किया, और भिन्न दिखने वाली जो अलग अलग अंतर क्रियाएं के स्वरूप हैं वो कहते हैं समान होती हैं। समाज में अंतर क्रिया के जो स्वरूप हमको अलग अलग दिखते हैं वास्तव में अलग अलग नहीं होते, समान होते हैं। इसको उन्होंने कुछ उदाहरण देके भी समझाए। वो कहते हैं 18वीं सदी में इंग्लैंड का कोई लेखक, उदाहरण दिए उन्होंने तीन, 18वीं सदी में इंग्लैंड का लेखक, राजघराने का कोई सदस्य और एलाइट क्लास अभिजात वर्ग का व्यक्ति। ये तीन अलग अलग हैं, ये भिन्न अंतर क्रिया करते हैं, तीनों की अंतर क्रियाएं जो हैं भिन्न दिखती हैं लेकिन ये समान है। फिर इसके बाद इन्हें एक उदाहरण दिया 20वीं सदी में लैटिन अमेरिका का किसान, लैटिन अमेरिका के किसान और अमेरिका के जमींदार, इनके संबंधों के स्वरूप आप देखिए इन तीनों कैटेगरी में अगर आप देखते हैं, आम आदमी, लैटिन अमेरिका का किसान और जमींदार, इन तीनों के संबंधों का स्वरूप समान है, दोनों ही संरचनात्मक संबंध रखते हैं, दोनों के संरचनात्मक संबंध होते हैं। आपने सामाजिक संघर्ष जो है इसका भी अध्ययन किया, आपने सामाजिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट का भी अध्ययन किया। वो कहना था कि समाज में संघर्ष तो हमेशा रहता है, समाज में संघर्ष भी है और सहयोग भी है। इसीलिए देखिए वो कार्ल मार्क्स के आधार पर उन्होंने चर्चा तो की लेकिन कार्ल मार्क्स के बराबरी, कार्ल मार्क्स के समकक्ष उनको नहीं रखा जाता बल्कि मैक्स वेबर के समकालीन इनको रखा जाता है, मैक्स वेबर से इनके समाज विचार जो मिलते थे। इन्होंने प्रकारों जो फंक्शन है उनका भी प्रकार का भी उल्लेख किया। व्यक्ति का सिमिल का मानना था कि व्यक्ति और समाज में सहयोग भी होता है और तनाव भी, जब दो व्यक्ति जब व्यक्ति समाज में आता है तो उसमें समाज के साथ वो सहयोग भी करता है और समाज के साथ वो तनावपूर्ण स्थिति भी जीता है, अर्थात व्यक्ति समाज का उत्पादन है। ये कहते थे व्यक्ति जो है समाज का उत्पादन है, प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी, परंतु व्यक्ति समाज से नियंत्रित भी है। इसलिए सिमेल का कहना था, सिमेल ने जो समाज को परिभाषित किया बोले व्यक्ति से समाज बना है और समाज व्यक्ति को नियंत्रित करता है, ये उनकी धारणा थी। ये कहते थे कि व्यक्ति समाज के अंदर भी है और समाज के बाहर भी है, समाज के बाहर भी है व्यक्ति और समाज के अंदर भी है। गरीबी, वैश्यवृत्ति, अजनबी, प्रेम, इन विषयों पे उन्होंने कहा, कांट पे भी इनकी एक छोटी किताब है। जर्मन के समाजशास्त्र के जमान, जर्मन की जो समाजशास्त्र परिषद थी उसके सह संस्थापक भी थे। ये कहते थे मुद्रा जो है, मुद्रा पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इनकी एक किताब थी मुद्रा को, ये जो है सिमिल की सबसे अच्छी पुस्तक जो मानी जाती है, मुद्रा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ मनी, इसको इसी का टीबी बाटामोन ने 1974 में अनुवाद किया था। ये कहते थे मुद्रा और मूल की विवेचना की इन्होंने, इनका मानना था कि लोग वस्तुओं का निर्माण करके मूल का सृजन करते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में स्वयं ही वस्तुओं से हम दूर हो जाते हैं। हम मूल्य का निर्धारण तो करते हैं वस्तु के निर्माण में लेकिन हम फिर वस्तुओं से दूर हो जाते हैं। मूल का निर्धारण वस्तु से मानव की दूरी बताता है, मूल का निर्धारण होने से वस्तु से मानव की दूरी बताता है। ऐसी वस्तु जो हमारे निकट है सहज प्राप्त हो जाती है,
वह मूल्यवान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत ही सरल है, मतलब जो साधारण तौर पे सरलता से मिल जाती है उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वहीं ऐसी वस्तु जो बहुत दूर है, काफी दूर है, और जिसे पाना अत्यधिक अत्यधिक कठिन है, मतलब सरलता से नहीं मिल सकती है, कठिन प्रयासों से मिलती है, वो मूल्यवान होती है, उसकी वैल्यू देखिए बढ़ जाती है। ये मूल्य का निर्धारण करने के पीछे वो कहते हैं कि उसे पाने में हमको कितना समय लगता है, वे कितने विरल हैं, कितनी कठिनाई होती है, इसमें हम उनने मूल्य का निर्धारण की बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्रा जो मनी है, मुद्रा जो है आधुनिक विश्व में बौद्धिकता के महत्व को बढ़ाकर युक्तिपूर्णता को बढ़ाती है। एक और मानसिक क्रिया को विस्तार देती है, हमारी मानसिक प्रक्रिया को विस्तार देती है, जैसे बैंक के नोटों का नगद भंडारण करना, बैंक के जो करेंसी नोट हैं उनका नगद भंडारण के रूप में प्रयोग करना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। हर आदमी उसको रखना चाहता है कि हमारे पास करेंसी बनी रहे। वो तो नोटबंदी हुई तो लोगों की करेंसी कितनी निकली, कितना हाई तोबा मची भारत में, ये हम सब देख रहे हैं। ये बहुत पहले जॉर्ज तमिल ने अपनी पुस्तक में इसको उल्लेखित किया था। दूसरी ओर मुद्रा जो है, मनी जो है, अर्थव्यवस्था समाज के नियमों और मूल्यों को बदलने में योगदान देती है। आपने देखा होगा भारत में GST और नोटबंदी ने हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफी कुछ बदला। ये इनका स्पष्ट मानना था कि मुद्रा से व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म नहीं होती, मुद्रा से व्यक्ति का फ्रीडम खत्म नहीं होता, बल्कि मुद्रा व्यक्ति को गुलाम बनाती है। हम गुलाम हो जाते हैं, आज हम सभी पैसे के गुलाम हैं। व्यक्ति पृथक हो जाता है, व्यक्ति एक अणु और परमाणु में विभक्त हो जाता है। ये इनकी फिलॉसफी ऑफ मनी जो किताब है उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है। इनकी बहुत सी किताबें हैं जिन्होंने बहुत कुछ समाज को बढ़ाया। एक इनकी थी किताब द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, इसमें महानगरों की जो अंतर क्रिया है उसका वर्णन किया है। ये मानते थे आधुनिक नगर एक मौलिक क्षेत्र है जहां वस्तुनिष्ठ संस्कृति बढ़ती है, वस्तुनिष्ठ संस्कृति पतन की ओर उन्मुख करती है व्यक्ति को। महानगर में अर्थव्यवस्था का प्रभाव होता है, मुद्रा जो है मानवीय संबंधों की प्रतिकृति को प्रभावित करती है। मुद्रा के प्रयोग के बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम गणना और युक्त पूर्णता पर जोर देने लगते हैं। मतलब मुद्रा का जब से प्रयोग हुआ हर व्यक्ति हर जीवन के हर क्षेत्र में गणना करने लगा। मैंने अगर आपको एक लेक्चर दिया तो मैं उसकी गणना करूंगा कि मैंने आपको कितना, मतलब प्लस माइनस देखने लगता हूं कि मैं अगर आपके साथ जुड़ रहा हूं, आप मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर मैं आपके यहां उठा बैठा, आपके यहां कुछ सेवाएं दी, तो उसकी गणना कैलकुलेशन करने लगता हूं। ये मुद्रा से उनका कहना था समाज के अंतर्गत मुद्रा ने क्या है कैलकुलेटेड लाइफ में व्यक्ति को कन्वर्ट किया है। मौलिक मानव संबंध हमारे कमजोर हो जाते हैं, हम हर जगह कैलकुलेशन करने लगते हैं। सामाजिक संबंध अधिक से अधिक शुष्क और गंभीर अभिवृत्तिक हो जाते हैं। शहरी जीवन के अध्ययन में उन्हें बहुत बढ़िया बताया है कि हमारे संबंध जो हैं, सामाजिक संबंध शुष्क हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उसमें नीरसता आती जा रही है, उसमें शुष्कता बढ़ती जा रही है। छोटे शहरों में भावनाएं और संवेदनाएं अधिक महत्वपूर्ण है, छोटे शहरों में भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, व्यक्ति हर किसी के साथ बहुत ही भावुक हो जाता है, संवेदनात्मक हो जाता है। लेकिन आधुनिक नगर जितने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे जबलपुर है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, आगरा, लखनऊ, इन सभी में सतही बौद्धिकता होती है और मुद्रा अर्थव्यवस्था की गणना की प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं, यहां पे शुष्क होते जा रहे हैं। ये इनका था। इनका आधुनिक संस्कृति के प्रति भी दृष्टिकोण जो है आधा प्यार और आधी नफरत वाला था। इनकी जो एक मुश्तबा हुसैन हुए हैं उनकी किताब है समाजशास्त्री विचार, उसमें उन्होंने लिखा है तमिल के लिए कि आधुनिक संस्कृति के प्रति जॉर्ज तमिल का दृष्टिकोण आधा प्यार और आधी नफरत का था। तमिल ने कहा था अलगाव और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। मानव अपनी व्यक्तिता के गुणों को इस सार्वभौमिक अलगाव की प्रक्रिया में खोता चला जा रहा है। हम आधुनिक संस्कृति की अनुरूपता और एक आयामीपन को अपना लेते हैं। इसके अनुसार उन्होंने व्यक्ति वैश्यावृत्ति के अंतर व्यक्तिक संबंधों की प्रतीक बन जाती है। उन्होंने बताया कि वैश्यावृत्ति अंतर व्यक्तिक संबंधों का प्रतीक बन जाती है। सिमिल का एक था सामाजिक दूरी का धारणा, उन्हें सोशल डिस्टेंस को अपनी सामाजिक ज्यामिति का प्रमुख विषय बनाया। जो आज सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, जॉर्ज तमिल ने बहुत पहले इसको कहा था, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कहा था। आज हम कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं।
सामाजिक दूरी की चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक मुद्रा का दर्शन में और एक निबंध इनका था अपरिचित उसमें की है। उन्होंने मूल के संबंध में बताया कि मूल वस्तुएं कैसे मूलवान हो जाती हैं, उन संबंधों की दूरी को आधार उन्हें वस्तु का कीमत, अगर वस्तु हमारे बहुत पास होती है, सहज उपलब्ध होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वस्तु कम होती है और हमसे दूर हो जाती है, जिसको पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ते हैं, वो कीमती हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है। अर्थात जो ऐसी वस्तु जो व्यक्ति के बहुत निकट है, जिसे पाना आसान है, वह मूल्यवान नहीं है। वे वस्तुएं मूल्यवान नहीं है जो व्यक्ति से बहुत दूर है और जिन्हें पाना बहुत कठिन है, उनकी भी कीमत खत्म हो जाती है। सबसे मूल्यवान वो है जिन्हें पाया तो जा सकता है लेकिन बहुत अधिक प्रयास से पाया जा सकता है। ये उन्होंने सामाजिक दूरी की धारणा इस दृष्टिकोण, आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो सामाजिक दूरी की बात है, हम अपनों को पाना चाहते हैं तो उसमें कहा गया कि आप थोड़ा उनसे दूर, मतलब पा तो सकते हैं हम, परंतु बहुत अधिक प्रयास से पाना पड़ेगा आपको। तो हम उनसे कहा गया कि कोरोना वायरस से बचना है उसको पाना नहीं है, उससे पाने के लिए हमको दूर होना है। जो दूर हो जाएगा तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल पास रहेंगे तो वो बिल्कुल साधारण रहेगा, उसकी कीमत तो मूल्यवान नहीं होगा, तो मूल्यवान नहीं होगा तो वो आपके साथ जीवन में आपके जुड़ेगा। तो ये सामाजिक दूरी की जो धारणा थी कि आप इससे इतनी दूरी बना के रखिए जिसको पाने में आपको मूल्यवान हो, पर उसको पा तो सकते हैं लेकिन उसको प्रयास करना पड़े। इसलिए अगर आपने कोरोना वायरस से सामाजिक दूरी रखी तो कोरोना वायरस आपके लिए मूल्यवान तो आप उसके लिए मूल्यवान तो है, क्योंकि उसको स्प्रेड होना है आपके शरीर में आकर, उसको मल्टीपल होना है, लेकिन उसको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेंगे। ये सामाजिक दूरी की धारणा थी। बहुत पहले जॉर्ज से मिलने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपनी किताब मुद्रा दर्शन फिलॉसफी ऑफ मनी में कहा था। और आज हमको देखिए, आज करीब 100 साल के बाद इस थ्योरी को हमको अपनाना पड़ रहा है। इनकी जो इन्होंने कुछ खास खास चर्चाएं की हैं, जैसे स्ट्रेंजर अपरिचित, दुसाहसी मध्यस्थ मीडिएटर और गरीब। अपरिचित के लिए वो कहते हैं सेमेल की शब्दावली जो है, अपरिचित व्यक्ति वह नहीं है जो आज आता है और कल चला जाता है। हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपरिचित, वो नहीं है जो आज आता है कल चला जाता है, यानी जिसका कोई निश्चित संरचनात्मक पद नहीं है। इसके विपरीत अपरिचित वह है जो आज आता है और कल ठहर जाता है, अर्थात एक स्थानीय समूह में रहता है परंतु उसका पद इस बात से निर्धारित होता है कि वह आरंभ से उस समूह में नहीं था और फिर चला भी जा सकता है। एक अपरिचित एक समूह का अंग है परंतु पूरी तरह से उसका अंग नहीं होता। अपनी स्थान संबंधी स्थिति से वह दूसरों से अलग होता है, वह उस समूह में वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति से जुड़ता है। अर्थात अपरिचित समूह में है भी और नहीं भी, इसलिए वह विश्वसनीय नहीं है। अब गरीब, एक और उन्होंने परिभाषा दी गरीब की, जैसे अपरिचित के लिए वैसे सिमेल कहते हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा था, गरीब की परिभाषा दी है कि गरीब की परिभाषा हम सामाजिक संबंधों के आधार पर दे सकते हैं। गरीब एक ऐसा आदमी है जिसकी मदद दूसरे करते हैं, अर्थात दूसरे से उसे मदद पाने का हक है। हम किसी गरीब की मदद करेंगे और गरीब हमसे हक है उसका कि वो हमसे मदद पाए, ये ऐसा आदमी गरीब है। सिमेल ने यह कभी नहीं कहा कि गरीब की परिभाषा संसाधनों की कमी से की जा सकती, वो संसाधनों की कमी से कभी भी उन्होंने गरीब की परिभाषा नहीं की। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि वास्तव में एक गरीब जो है जिसकी सभी मदद करते हैं या दूसरों से मदद मांगता है। इसमें जरूरतमंद और दान देने वाले पारस्परिक अधिकारों जिम्मेदारी के संबंधों की चर्चा की है। वो कहते हैं जरूरतमंद को मदद पाने का हक है, उसका अधिकार है, और यह अधिकार मदद पाने को कम कष्टकर बनाता है। दूसरी ओर दानकर्ता की जिम्मेदारी के वह जरूरतमंद की मदद करे, जिसको जरूरत है उसको दान दे, उसकी मदद करे। इस चर्चा में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकारवादी दृष्टि अपनाई गई है। उनका कहना था कि समाज के द्वारा गरीब की मदद से व्यवस्था में मदद मिलती है। समाज में गरीबों की मदद की आवश्यकता है, जिससे अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं बगावत कर बैठेंगे, इससे गरीबी की ऊर्जा नकारात्मक नहीं होती। उनका कहना था गरीब की मदद समाज के लिए है, ना कि गरीब। अगर आप मदद करते हैं किसी गरीब की तो आप गरीब की मदद नहीं कर रहे, आप समाज की मदद कर रहे हैं, ये जॉब से मिलकर कहना था। और यहाँ पे वो कहता है राज की भूमिका पड़ जाती है, राज को नौकरशाही के उपायों से मदद करना चाहिए,
गरीबों की, अगर ऐसा नहीं करता है राज तो समाज में गरीब बगावत कर बैठेंगे। ये उनकी सापेक्षिक दृष्टि थी और इस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे विषयों पर बहुत निबंध लिखे। इन्होंने समाजशास्त्र को तीन प्रकार से बांटा, समाजशास्त्र पे बहुत अलग अलग प्रकार से निबंध लिखे, छोटी किताबें भी लिखी इन्होंने, एमेल कांट पे, गेते पे, निश्चय पे, सेफेन आवर पे उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, अपनी मृत्यु से पहले जॉर्ज सिमेल ने कहा था, मैं जानता हूं, उनका कहना था, मैं जानता हूं कि मैं अपना कोई बौद्धिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अपना कोई बौद्धिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ रहा हूं, इसके बावजूद मेरी विरासत अनेक उत्तराधिकारियों में बटेगी और वे अपने ढंग से मेरे कृतित्व का उपयोग करेंगे। सिमेल का प्रभाव वास्तव में जर्मनी से ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में था। मर्टन ने भी कहा था कि सिमेल के विचार जो हैं बहुत ही मौलिक और व्यापक रहे। ये जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र की जो विवेचना की, जर्मन में तो बहुत ज्यादा इनका योगदान है, जर्मन में बहुत महत्वपूर्ण थे, पूरे यूरोप में एक प्रभावी शिक्षक थे, इनकी क्लास बहुत लोग पसंद करते थे, ये व्याख्यान देते थे, बच्चे इनके सुनते थे, उसी दिन को सैलरी मिलती थी। लेकिन जॉर्ज सिमेल की एक कमजोरी यह थी कि उन्होंने दार्शनिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को एक साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हो सकता है अगर इन तीनों को वो एक साथ जोड़ते तो समाजशास्त्र में एक और नई थ्योरी मिलती जिससे जीवन के सत्काम अनुसंधान कर सकते। तो आज जॉर्ज सिमेल के बारे में हमने आपसे चर्चा की। जॉर्ज सिमेल एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है जिनके फिलॉसफी ऑफ मनी जीवन समाजशास्त्र के बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण हमको प्रस्तुत करता है। सामाजिक दूरी की बात की उन्होंने, गरीबी को नए आयाम के साथ प्रस्तुत किया, अपरिचितों की बात की और वैश्यावृत्ति की भी बात की, अंतर्क्रियाओं के माध्यम से समाज को उन्होंने, अंतर्क्रियाओं के स्वरूपों के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास किया।